नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हो एसएसए स्टॉक मार्केट। बात करेंगे इस वीडियो में रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के बारे में। अब रामा स्टील का बिजनेस तो मैं आप लोगों को बहुत पहले ही समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं आज फिर से एक बार थोड़ा सा। ये कंपनी 1974 में बनी थी। रामा स्टील ट्यूब्स भारत में स्टील पाइप और ट्यूब्स, कठोर पीवीसी और जीआई पाइप और स्क्वायर सेक्शन जो है उत्पादों की अग्रणी जो है निर्माता में से एक है। तो ये कंपनी कुल मिला के जो है स्टील के और पीवीसी के कुछ पाइप वाइप जो है सेक्शन ऑक्शन कंपनी जो बनाती है, ठीक है ना। ये काम करती है। इसके वेबसाइट पे आप लोग जाके पूरी डिटेल में चेक कर सकते हो कि क्या इनका व्यवसाय है, कैसा है डिटेल में। ये जो पीवीसी आप देख सकते हो, स्टील के और जो है प्लास्टिक के कुछ पीवीसी के मतलब पाइपें कंपनियां जो है खास करके बनाती है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप लोग इसका एक नमूना देख सकते हैं इनके बिजनेस में। इस तरह से स्टील के जो है पोल्स वोल्स सभी कंपनी जो है ये बनाती है, इस तरह से पाइप वाइप, ठीक है ना। तो मेनली इसका यही बिजनेस है, खास करके स्टील का और पीवीसी के पाइप वाइप सेक्शन वोशन कंपनी बनाती है। अब देखिए, बात करेंगे इस कंपनी के फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल भी सही है। कुछ एक दो पॉइंट पे थोड़ा सा वीक है, हालांकि जिस हिसाब से ये छोटी सी कंपनी है, इस छोटी सी कंपनी के हिसाब से ये सारे के सारे जो है फंडामेंटल इसके बढ़िया हैं। जैसे कि मार्केट कैप केवल 2000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। ऊपर हाई जो इसका है वो 18 रुपये के आसपास का है और 10 रुपये का नीचे लो है। पी रेशियो के दृष्टि से देखेंगे थोड़ा सा हाई हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है, जबकि इंडस्ट्री का पी इसका 28 पे ट्रेड कर रहा है। तो लगभग 3 गुना अपने जो है इंडस्ट्री के पी पे ये जो है ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा महंगा दिख रहा है। वहीं पे बात करेंगे बुक वैल्यू का, तो बुक वैल्यू 2 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, तो लगभग 6-7 के बुक वैल्यू पे भी मिल रही है कंपनी। थोड़ा सा इस हिसाब से भी कह लें कि थोड़ी सी महंगी कंपनी दिख रही है हम लोगों को। आरओसी 12% का, आरओई 10% का, तो ये भी नॉर्मल से थोड़ा सा कम है। हालांकि एक छोटे स्टॉक से अगर हम कंपेयर करेंगे तो बढ़िया है, कुल मिला के पैनी स्टॉक टाइप का। अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा इसका कम देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है, 19 पैसे कम से कम इसका अर्निंग पर शेयर। इसके हिसाब से बहुत मिनिमम से मिनिमम अगर लेंगे तो भी 50-60 पैसे होना चाहिए, 1 रुपया होता तो और बढ़िया होता, ठीक है ना। डेट की बात करेंगे तो 145 करोड़ का डेट है और 180 करोड़ का रिजर्व देखने के लिए। तो ये दोनों क्राइटेरिया पे कंपनी फिट बैठ रही है। 48% का अगर इसमें हम लोग देखेंगे प्रमोटर का होल्डिंग है और 0.12% एफआईआई की वो होल्डिंग थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा सा कम है, केवल 6% का है, ठीक है ना। 3 साल का सेल्स ग्रोथ रेशियो, 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ रेशियो, इस साल की सेल्स में इसके 32% गिरावट है और प्रॉफिट ग्रोथ में भी जो है 8% की गिरावट देखने के लिए मिली। तो हाल फिलहाल में एक साल में कह दे पिछले थोड़ा सा जो है इसका जो है फंडामेंटल जो है फाइनेंस कह लें जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वीक देखने के लिए मिल रहा है। आज देखेंगे तो अभी आधा दिन मतलब आधा ट्रेडिंग हो चुका है आज का। टोटल 1.25 करोड़ इक्विटी शेयर, टोटल 1.25 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं। 17 करोड़ रुपये के शेयर बाय सेल हुए हैं। डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे मेरे हिसाब से निकल के नहीं सामने आया है, आएगा तो बताऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पे अब देखिए, इसमें 10% का सर्किट लिमिट भी है और 4% की गिरावट देखने के लिए मिली। गिरावट का अगर मुख्य कारण अगर हम लोग ढूंढेंगे तो सारे के सारे इंडेक्स में, सारे के सारे मार्केट में गिरावट आ रही है, और वो भी बैंकर वाली गिरावट आ रही है। यहाँ पे आप लोग सारे इंडेक्स में 1% से लेके जो है 2% तक की गिरावट देखने के लिए मिल रही है तरह तरह के इंडेक्स में, ठीक है ना। और इसी का कारण हम लोगों को यहाँ पे रामा स्टील के ट्यूब्स लिमिटेड के भी शेयर पे देखने के लिए मिल रही है। अब मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि इसमें मेरे साइड से अभी बाय है, क्योंकि मुझे ये बहुत अभी इस कंडीशन में तो बहुत अच्छा दिख रहा है। जब नीचे आएगा मतलब ब्रेक करेगा, कंडीशन बदलेगा तो देखेंगे, फिर हाल के लिए कहेंगे, तो मुझे ये शेयर बहुत बढ़िया दिख रहा है कंडीशन में खरीदारी करने के लिए। अगर मार्केट, वही बात है, जब मार्केट गिरेगा तभी ये गिरेगा। अगर मार्केट में थोड़ी सी भी रिकवरी आती है, जो कि आने की संभावना है, हालांकि थोड़ी बहुत गिरावट में मार्केट में अभी गिरावट आएगी। मार्केट का मैं प्रेडिक्शन उतना ज़्यादा नहीं करता हूँ, पहले करता था अपने सुपर स्टॉक एडवाइजर चैनल पर, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता दूँ कि मान के चलिए कि यहाँ पर अभी और जो है शेयर मार्केट निफ्टी की बात करेंगे तो अभी यहाँ से भी 8-10% तक की गिरावट निफ्टी में हो सकती है, 21,000 तक। तो इस तरह से जो है कंडीशन बना हुआ, अगर वो कंडीशन बनता है तो इसमें भी वहीं 10 रुपये तक की गिरावट आने की संभावना बनेगी। बाकी अगर मार्केट थोड़ा सा रिकवरी करता है, मार्केट में भी रिकवरी की भी संभावना है, 36% तक का टारगेट ऊपर निफ्टी दे सकता है 1 से 2 साल के अंदर अंदर। तो
उस टारगेट के लिए अगर हम लोग जाएंगे तो इसमें भी 22-25-30 रुपए तक का आने वाले समय में भारी भरकम हम लोगों को टारगेट मिल सकता है, 1 से 2 साल का अगर व्यू लेके बड़ा सा बिना स्टॉप लॉस के फॉलो करेंगे तो नहीं तो छोटे टाइम फ्रेम के लिए 18 रुपये का स्टॉप टारगेट और 10 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस 22 रुपये का टारगेट, ये दोनों आप मैच कर सकते हो तो देख लीजिएगा। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में भी बढ़िया व्यू है, 36% का अपसाइड इस लेवल पे जहाँ पे निफ्टी है वहाँ से, और नीचे साइड में 10% गिरावट की संभावना अभी फिलहाल में मैं देख रहा था जब चार्ट तो मुझे देखने के लिए मिल रही है, तो देख लीजिएगा रिकवरी आ रही है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर यहाँ से एक अच्छी सी रिकवरी कर जाता है तो कर भी जाएगा, क्योंकि एक ही दिन में 2% की गिरावट और एक ही दिन में 2% की रिकवरी के बाद 1% की तेजी, 3% की रिकवरी, बढ़िया कंडीशन बन जाएगी, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, फिलहाल में इसके अगर शेयर आपके पास हैं तो बिंदास आप जो है दिल पे हाथ रख के एकदम इसको होल्ड करिए, ठीक है ना।